ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्ते भारतीयों पर चलाई गई गोली को ब्रिटिश इतिहास का एक शर्मनाक घटना करार दिया है। जलियांवाला बाग पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कैमरून ने ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग का दौरा करने के लिए पहुंचे। और गौरतलब है कि 13 अप्रैल 1919 को इस जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश के बाद निहत्ते भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था भी टेका था। और इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद पटेल से। आनंद, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का बयान इतने सालों बाद आना, एक माफ़ी, उनकी माफ़ी नहीं कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये कहेंगे कि अपने जो हुआ था उसके ऊपर अब इसको एक शर्मनाक घटना बताना काफ़ी अहम हो जाता है। देखिए अंजलि, ये कहा जा रहा था कि जिन हालात में डेविड कैमरून आ रहे हैं उसमें जितने भी ब्रिटिश औपनिवेशवाद काल के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई इस तरह की, उस पर अफसोस जाहिर करने का ये मौका है। और ये मौका शायद डेविड कैमरून ने एक बार फिर गवा दिया, क्योंकि इससे पहले जब 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय आई थी तो उन्होंने भी खेद जताया था, अफसोस जताया था, संवेदना जताई थी, लेकिन माफी नहीं मांगी थी जो कुछ हुआ था जलियांवाला बाग में लगभग 100 साल पहले 1919 में बसंत पंचमी के दिन। तो आज फिर एक मौका था डेविड कैमरून के सामने, और जन भावनाएं इस बात को लेकर के काफी थी कि डेविड कैमरून जो कुछ हुआ उसकी माफी मांगेंगे, क्योंकि शहीदों के परिवारों ने बहुत कुछ भुगता है इन 100 सालों में। लगभग 1000 लोग मारे गए थे और इतने ही लोग जख्मी हुए थे, और शहीदों के परिवार आज भी अमृतसर में हैं और उनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है और अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये मौका था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने कि वो माफी मांगते जो कुछ हुआ, जो कुछ जनरल डायर ने यहाँ पे किया। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, एक शांतिपूर्ण सभा थी यहाँ पे, और गोलियां बरसाई यहाँ पे जनरल डायर ने, और उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सभी जो है हताहत हुए थे। तो एक तरह से कह लें कि बड़ा मौका था, ऐतिहासिक मौका था, और अगर डेविड कैमरून माफी मांग लेते तो शायद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होता। लेकिन थोड़ा पीछे हट गए और सिर्फ इसको एक शर्मनाक घटना करार दिया, और ये कहा कि विंस्टन चर्चिल ने उस वक्त इसको एक शैतानी घटना कहा था। और साथ में ये भी उन्होंने अपने मैसेज में लिखा है कि दुनिया भर में जहाँ भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, ब्रिटेन की सरकार उसकी उसका समर्थन करती है। तो इस तरह का जो एक कह लिया जाए कि मैसेज दिया उन्होंने यहाँ पे, और माफी मांगने से बस कुछ थोड़ा पहले ही रुक गए, और मैसेज बहुत साफ है, जो घटना हुई जलियांवाला बाग में उसकी निंदा की, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, लेकिन माफी नहीं मांगी जो कुछ हुआ था उस वक्त। जी जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जलियांवाला बाग में जाकर के श्रद्धांजलि पहले दी, और उसके बाद उनकी तरफ से इस तरह का बयान आया।